हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का छोटा भाई अबू सईद और आप देख रहे हैं ग्रेट ASD यूट्यूब चैनल। तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा MB जो है बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है और हमारे मोबाइल का जो डाटा है वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं और हम पूरा दिन भर अपने डाटा को चला सकते हैं। हमारा MB जो है बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वो फेसबुक में कौन से सेटिंग करते हैं जिससे हमारा MB जो है किस तरीके से बचा सकते हैं और हमारे फेसबुक का जो है वीडियो जो है खुद बखुद चलता है तो उसको हम किस तरीके से बंद कर सकते हैं। और उससे जो सबसे पहले वो जैसे फेसबुक में अगर खुद बखुद वीडियो चलता है तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा MB खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से MB खर्चा होता है बहुत ही जल्द। सबसे पहले मैं फेसबुक में आपको लेकर चलता हूँ। फेसबुक में जैसे ही आ गया मैं तो ये देख रहे हैं आपके खुद बहुत वीडियो चल रहा है। जैसे कि मैं फिर ऊपर गया तो ये वीडियो फिर जो है खुद बहुत चल रहा है। फिर ये मैंने ऊपर किया इस तरीके से, ये भी वीडियो जो है खुद बहुत चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर अभी रुक जाएँ, देखिए खुद बहुत चल रहा है ये वीडियो जो खुद बहुत चल रहा है। तो इसको हम किस तरीके से बंद कर सकते हैं और अपने डाटा को जो है किस तरीके से बचा सकते हैं, तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू करते हैं और ऑटो प्ले को किस तरीके से ऑन और ऑफ करते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको फेसबुक में लेकर चलता हूँ। फेसबुक में मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले फेसबुक में आ चुका हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड के तीन लाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था, उसको पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है प्राइवेसी सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्राइवेसी सेटिंग तो इस पे आप क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो है फिर आपको जो है मैं यहाँ से डाटा को ऑन कर लेता हूँ, मेरा डाटा जो है बंद है तो डाटा को ऑन करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो यहाँ प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद फिर यहाँ आपको जो है सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसको जो है आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको यहाँ जो है मीडिया के ऊपर जाना है। मीडिया के ऊपर जाने के बाद देख रहे हैं यहाँ आपके डाटा सर्वर, अगर आपका ये जो है ऊपर है तो आपको नीचे कर देना। उसके बाद आपको जो है फिर ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, अगर आपका इसमें किया हुआ है तो आपको, अगर इसमें ये है कि आपके मोबाइल का जो डाटा होता है उससे भी अगर आप अपना मोबाइल फेसबुक यूज़ करेंगे तो आपका वीडियो जो है फेसबुक का वीडियो खुद बखुद चलेगा, वाईफाई में हो या फिर मोबाइल इंटरनेट से हो। और नीचे वाला जो है ऑन वाईफाई ऑनलाइन, तो इस पर जो अगर आप रखेंगे इसको अगर इस पर, तो आप अगर जब भी वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपके फेसबुक का वीडियो जो है खुद बखुद चलने लगेगा। और अगर आप यहाँ सबसे नीचे रखेंगे नियर ऑटो प्ले वीडियोस, अगर आप इस पर रखेंगे तो आपका वीडियो चाहे वाईफाई में हो या फिर डाटा ये मोबाइल के इंटरनेट से हो जाए किसी में भी हो, मगर आपका वीडियो जो खुद बहुत नहीं चलेगा। जैसे कि मैं इस पर कर दिया और इसको जो यहाँ कर दिया, अब मैं फिर बैक आता हूँ। देखिए कि मैं बैक आ गया हूँ, ये वीडियो मेरा जो है नहीं चल रहा। जिसको भी देखना होगा तो मैं उस पर क्लिक करूँगा जब भी वो वीडियो चलेगा। जैसे कि मुझे अगर ये देखना है तो मैं इस पर क्लिक किया, जैसे ही मेरा जो है तब चलेगा मेरा ये वीडियो, और ऐसे खुद बहुत नहीं चलेगा। जैसे फिर देखा देता हूँ ये वीडियो का चल ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप YouTube के ऑटो प्ले को अगर बंद करना चाहते हैं जिस तरीके से फेसबुक में बताया मैंने, इसी तरीके से अगर ये करना चाहते हैं तो आपको देख रहे होंगे आगे आपको यहाँ जो है एक वीडियो आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके आप YouTube के ऑटो प्ले को ऑन और ऑफ कर सकते हैं उस वीडियो को देख करके। मैं यहीं तक अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय।